सबसे पहले तो पीसीबी का हमें शुक्रिया अदा करना है, इसलिए कि बहुत सारी डॉट्स कनेक्ट की उन्होंने यहाँ पे मेला सजाने के लिए। कोविड टाइम्स में फ्लाइट सस्पेंडेड है, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, फिर अपने आप को प्रूव भी करना है, क्योंकि जो गलती हुई पाकिस्तान में रिगार्डिंग बायोसिक्योर बबल उसको ठीक करना है, दुनिया को बताना है कि हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक कंट्री है, और वो सब कुछ प्रूव किया। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था जो कि क्लियर किया क्रिकेट बोर्ड ने। हाँ, क्वारंटीन की जिंदगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आई थिंक इस गेम की खातिर और अपनी रेपुटेशन की खातिर सबने कुर्बानियाँ दी, और इन दी एंड शुक्र है कि सब मामले ठीक तय पा गए और फायरवर्क्स के साथ इस PSL 6 का इख्तिताम हुआ। सो खुशी हुई लाहौर मुल्तान सुल्तान्स के जीतने की, इसलिए कि एक यंग टीम है, ये एक यंग फ्रेंचाइज है, मगर इनमें खूबियां बेइंतहा हैं, कूट कूट के भरी है। देखिए, अगर आपका कप्तान अच्छा है, आपको एनवायरनमेंट अच्छी मिल रही है, इंगेजिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप सीखते हैं और गलतियाँ फिर आप उसी हिसाब से कम करेंगे, और फिर आपको अगर प्रमोट भी किया जाए, आपको बैक भी किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ शोएब मकसूद की, मैं बात कर रहा हूँ ओपनर की शान मसूद की, मैं बात कर रहा हूँ यंग बॉलिंग अटैक की, इसलिए कि इमरान खान का वैसे कहीं नाम नहीं आता, मगर उन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस कर दी। इसी तरह से शाह नवाज धानी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और मुल्तान सुल्तान्स के करता धरता जो इनका ब्रेन ट्रस्ट है उसको बहुत ज़्यादा सराहना होगा, क्योंकि एक लड़के को इतना कॉन्फिडेंस देना कि वो सेलिब्रेशन से लेके कॉन्फिडेंस दिखाए इस किस्म का कि ये स्टेज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसे आगे जाके भी आपके बड़े बड़े कारनामे अंजाम दूंगा, ये एक अच्छी डगआउट एनवायरनमेंट से होता है। पिशावर जलमी ने बहुत मार खाई, और 200 रन करवा देना फाइनल में आसान नहीं होता, ट्रैक डाउन करना। बॉलिंग जो थी वो तितर बितर हो गई, और वो जो पार्टनरशिप लगी शोएब मकसूद और रायली रूसो ने, उसी ने काम बिगाड़ दिया। और शोएब मकसूद की वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यहाँ की परफॉर्मेंस के बाद, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक वैक्यूम है बैटिंग में पाकिस्तान की जो ये पुर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये घबराए नहीं और ज़्यादा प्रेशर में ना आ जाए, क्योंकि कम बैक जब एक इंडिविजुअल करता है तो उसको दोबारा से अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ता है एट टाइम, और उसी में फंस जाता है। सो इनको ये जो इनको एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली है, इसको एंजॉय करना है और इसको प्रूव करना है दुनिया को कि मैं ये एक क्लब मैच से ज़्यादा इसको फोकियत नहीं देता हूँ। सो रिलैक्स रहें, इसी तरह से ये चौके छक्के लगाएंगे, बट ओवरऑल जो थी वो कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान सुल्तान्स बहुत आला टीम थी। बॉलिंग ले लें, बैटिंग ले लें, असल में सबसे बड़ा जो इनका प्लस था वो इनका कप्तान था। सादा लो इंसान है, ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करते हैं, और मगर कारनामे बहुत बड़े बड़े अंजाम देते हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये पाकिस्तान की भी कप्तानी कर सकते हैं, इतना इनमें मादा है, इतनी इनमें अहलियत है। और मुल्तान सुल्तान्स को बहुत बहुत इनको मुबारकबाद। जलमी फिर से कोशिश करेंगे, लड़खड़ा के यहाँ तक पहुँचे, आसान काम नहीं था, मगर जजाई नहीं चले, और 200 करने के लिए जजाई की ज़रूरत थी, मगर वो रजाई लेके सो गए, सो ये प्रॉब्लम होगी। बट ओवरऑल ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा, दिक्कतें तो थी, मुश्किलात भी थी क्वारंटीन की लेके, बट सारी चीज़ें खुश असलूबी से अंजाम हुई, जो कि एक बहुत बड़ा हाई। और फिर जब फायरवर्क्स हुए तो फिर मामला और ज़्यादा बेहतर हो गया। सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि फैंस की वजह से ये मेला सजा होता है।